साधु आसन कही रहे और सुनो लगा कर ध्यान ही। अरे मानुष जैसी देह है पक गैया जैसे कान है। शरीर मनुष्य जैसा था और कान गाय जैसे थे। सुंदर जाको रूप और श्यामल जाको वरणई। नाम धरो जब शोध की और धर दीनों को करण है। उस बच्चे का नाम रखा है गौकर्ण। गौकर्ण लेकिन सौबत बदल गई। धुंधकारी पेशाओं की संगत में जाने लगा और गौकर्ण महाराज संतों की संगत में जाने लगे। ध्यान रखना श्रोता बंधु, सौबत संगत असर जरूर लाती है, उसे कोई मेट नहीं सकता। धुंधकारी पेशाओं की संगत में रहने लगा और गौकर्ण महाराज संतों की संगत में रहने लगे। पिता की कमाई हुई संपत्ति थी, पैस्याओं के घर लुटाता था, पैस्याओं के घर। और बताता है कि बाप की कमाई को 100 को नोट 1 रुपया लगा था, एक को है। और जब भी 100 खुद कमाए जाता है तब मालूम पड़ती है कैसे पैदा होते हैं। तो उस समय को ला करके घर में ठहरा दिया अपने में। अरे समय नाय पल भरी की लामी, अरे समय नाय पल भरी की लामी। रोजाना हुक्म करती थी, पांचों वैश्याएं घर में रहती थी, जो कही दिन सो मंगवा। ओ हुक्म कर नहीं पावे तात पहले लावे। जितनी संपत्ति हती बाप की दादा और सब बैसन में दैय कमाई। रोजाना हुक्म करती थी, जो चाहती थी वो मंगाती थी। धीरे 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 जो पिता की कमाई हुई संपत्ति थी सब ठिकाने लगा दी। सब ध्यान रखना नौजवान बच्चे हो, अगर पिता की बात को तुम्हें बढ़ाने का अधिकार नहीं है तो घटाने का भी अधिकार नहीं है। अगर संतान हो तो सब पिता के धन को नष्ट कर दिया। और आज जब बैसन ने जान ली कि कछुना ही बचो तो का शर्त रख रही है आज पांचों बैठ के ब्राह्मण के सामने। प्यारे दो कर जोरू हाथ हारुए को सोने को बनवाओ। प्यारे दो कर जोरी
पे आई, मसीह प्यारे घर पे आई, और तू बनी भाई वे साथ हार, ये सोने को मैंने तू बनी भाई वे साथ हार, वो सोने को बनवाओ प्यारे तो कर जो आता हार, वो सोने को बनवाओ। बात सुनो, कौ का कह रही तुम्हारी समाज है, मैंने पांचों बहन ने सलाह करी है कि तुम एक सोने को हार बनवा, जो सोने के हार को नाम सुनो तब बोली। क्या बोली? अरे आहा घर में नए बर्तन पीतर के, घर में बर्तन नए पीतर के, घर में नए बर्तन पीतर के, घर में बर्तन पीतरी के, सोने की कली रैया बात हार, सोने को बनवा, सोने की कली रैया बात हार, सोने को बनवा, अरे सोने।